जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो वर्क एंड टाइम को लेकर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 18 पुरुष किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 10 दिनों बाद 7 पुरुष और आ जाएं तो कार्य कितने दिनों तक चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि शुरू शुरू में 18 पुरुष किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन 10 दिनों बाद क्या हो रहा है कि 7 पुरुष और आ जाते हैं, तो हमारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 18 गुणे करेंगे 60 दिनों में काम तो पूरा होगा, लेकिन 10 दिनों तक क्या काम चलता है, उसके बाद 7 पुरुष क्या हो जाते हैं और आ जाते हैं। यानी जो दिन बचा था, यानी 60 दिनों तक कार्य पूरा होना था, लेकिन 10 दिनों तक काम चला है, यानी टोटल अभी 50 दिन ही काम चलेगा। तो हम लोग क्या 50 दिन को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 50 यानी 18 पुरुष और 50 दिन ही काम करेंगे। अब इस 50 दिनों में क्या हो जा रहा है कि 7 पुरुष और आ जा रहे हैं। तब शुरू शुरू में 18 पुरुष थे और 7 पुरुष और आ गए, यानी टोटल 25 पुरुष। यानी 25 पुरुष मिलकर अब इस 50 दिन में बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। तो इस 25 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 18 दूना 36, यानी 36 दिनों में क्या होगा, कार्य जो बचा हुआ कार्य था उसको समाप्त हो जाएगा। यानी 25 लोग मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में, 36 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।